सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था, हम नैनीताल में थे। सो अभी हम आ गए हैं नैनीताल से जिम कॉर्बेट। एक्चुअली ये जिम कॉर्बेट नहीं है, नैनीताल टू जिम कॉर्बेट के रूट में एक वाटरफॉल आता है। सो हम वही जा रहे हैं घूमने। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। सो गाइस, वाटरफॉल तो घूम लिया है, बहुत ही अच्छा था। आ सकते हो यहाँ पे, थोड़ी टिकट लेनी पड़ती है एंट्री के लिए, बाकी तो अच्छा है, आ सकते हो। चलो गाइस, आगे चलते हैं। सो गाइस, अभी हम रुके हैं फॉरेस्ट वाइन रिसोर्ट में और अभी हम जा रहे हैं हनुमान धाम टेम्पल। सो हमारे रिसोर्ट से वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सो चलते हैं गाइस, वहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसा है व्यू, कैसा है मंदिर। सो चलते हैं। और इसके बाद आया मेन टास्क, जिसके लिए कॉर्बेट बहुत फेमस है। सो गाइस, अभी 5:30 हो गए हैं और अभी हम उठे हैं। सो अभी हम जा रहे हैं जंगल सफारी, जो कि जिम कॉर्बेट का एक मेन अट्रैक्शन है। सो चलते हैं आगे, जीप रेडी है, ओपन जीप में जाना है। सो हमारे रिसोर्ट से ही जीप हमें पिक कर लेती है। सो चलते हैं गाइस। फॉरेस्ट अभी तो दूर है ना, जरूरी नहीं फॉरेस्ट पहले भी आया था। अच्छा, ये भी तो फॉरेस्ट ही है। हाँ, सामने नजर मारोगे आप बिल्कुल स्ट्रेट, लेफ्ट साइड पे फॉरेस्ट है। हाँ, इस साइड पे लेफ्ट साइड चारों ओर फॉरेस्ट है। उत्तराखंड का एरिया है, चारों तरफ से जंगल है। सोच रहा हूँ आम लीची के बगीचे में नहीं आता, कई बार इनमें भी आ जाता। अच्छा, अब तो डरा रहे हो। डराने की बात नहीं, ब्रेव बनो, डर के कुछ नहीं होता। क्योंकि जंगल सफारी करने जाओ, अगर डर के चाहिए तो क्या चाहिए। सही है। हाँ, मैं नेचर का जीवन और मैं इनका नाम भूल जाता हूँ। ये पहला ही नेशनल पार्क भी है एशिया का। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी जानवर है वो खुले हुए हैं, पूरे मतलब नेचुरल हैबिटेट जिसे बोलते हैं। अपने हिसाब से कोई भी जानवर यहाँ पर रह रहा है, जो यहाँ पाए जाते हैं। और ये 8 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के गवर्नर के इधर डीजर दिखा रहे, तो इसलिए फर्स्ट नाम उनके नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, बहुत बड़े बड़े स्टेट होते थे उस समय ना। तो बाद में भी भारत आजाद हुआ तो ये नाम चेंज किया गया, फिर इसका सेकंड नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। अरे कहना क्या चाहते हो। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं जंगल में, जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट। और अभी तो कुछ खास दिखा नहीं है, अभी डियर्स दिखे, पिकॉक दिखा है। अभी और डीप जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, तो अंदर दिखने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। बहुत सारे हैं, पेड़ पे भी हैं, इस वाले पेड़ पे हैं। खतरा तब होता है, तभी जाके भी परेशान होते हैं, बाकी टाइम पे तो। वाओ,
तो गाइस अभी पहला राउंड तो खत्म हो गया है फॉरेस्ट का, अभी और भी राउंड्स है। अभी तो टाइगर दिखा नहीं, वही सारे जानवर दिखे, एलिफेंट दिख गया बस। गाइस ऐसा ही है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अच्छा है, ग्रीनरी है और एक बार तो आ ही सकते हो, अच्छा है। टाइगर तो दिखा नहीं जिम कॉर्बेट में, पर ऐसे जंगल बहुत ही अच्छा था, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और वो भी ओपन जीप में। सो वन टाइम विजिट तो मस्त था और अब जा सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारी चैनल पसंद आई, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मसूरी का बहुत ही जल्दी। सो हे गाइस अभी मैं आ गया हूँ मसूरी।